नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन सौरभ चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोटर की वाइंडिंग करने वाले हैं। इस मोटर की ये दोस्तों टेक्समो पानी की मोटर है 1 HP की। इसकी आज मैं आपको वाइंडिंग करके दिखाऊंगा और प्लस इसका वाइंडिंग डाटा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी टेक्समो पानी की मोटर 1 HP की मोनो ब्लॉक DMS3 टाइप DMS3। और दोस्तों, इसकी स्टेटर साइज है वो है 4 इंची की। इसका ये स्टेटर साइज है और इसकी ये दोनों कोयले हैं, ये स्टार्टिंग कोयल और ये है रनिंग कोयल। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इनका वाइंडिंग डाटा है वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, सबसे पहले रनिंग कोयल की बात कर लेते हैं हम। रनिंग कोयल में दोस्तों 3 का सेट है, 3 कोयले हैं, एक सेट में 3 कोयले हैं और टोटल ये 4 का सेट है। 4 का सेट इसमें डलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें छोटे वाली कोयल में आएंगे टर्न्स, वो आएंगे 30 टर्न्स, उससे बड़ी में 52 टर्न्स और उससे बड़ी में आएंगे 52 टर्न्स। और दोस्तों, इन कोयल की लंबाई है वो है दोस्तों, छोटे वाली कोयल से हम इसकी नाप है वो आपको लंबाई है वो बता देते हैं। दोस्तों, इसकी लंबाई वो 11.5 इंची की है। और दोस्तों, इसमें वायर गेज है वो है, इसमें वायर गेज है और इसके कोयल पिच है, कोयल पिच रहेंगे आपके 4, 6, 8 में इसके कोयल पिच है वो रहने वाले। दोस्तों, यहाँ से ये डलेगा, ये 2 छोटी खाली है, इसमें 2 छोटे स्लॉट है, तो इनको हमको छोड़ना पड़ेगा। इनके बाद में इन दोनों में सबसे पहले कोयल, छोटे वाली कोयल है वो डलने वाली है। इन 1, 2, 3, 4 इसके इस प्रकार से ये 4 का पिच है और 4, 6, 8 ये 3 में आएगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कोयल की। दोस्तों, स्टार्टिंग कोयल में, स्टार्टिंग कोयल का है वो 2 का 4 का सेट है वो भी, लेकिन इसमें 2 कोयले हैं और छोटे वाली कोयल के ट्रंस है वो आएंगे 30 ट्रंस और उससे बड़ी में आएंगे वो आएंगे आपके 65 ट्रंस। और दोस्तों, इसकी लंबाई है वो है 13.5 इंची की। और दोस्तों, इसमें वायर गेज है वो है 25 नंबर का SWG, इसमें वायर गेज लगा हुआ है। और दोस्तों, इसके कोयल पिच है वो रहेंगे 6-8 में, ठीक है। और दोस्तों, मैं बाकी आपको इसे इंस्टॉलेशन, इन कोयलों की इंस्टॉलेशन मैं करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी। तो आए दोस्तों, अब जल्दी से हम करते हैं इन कोयलों की इंस्टॉलेशन। और दोस्तों, इनकी इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको इनका वेट है, कोयल वेट कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों रनिंग कोयल है हमारी 283 ग्राम की, एक सेट है। और स्टार्टिंग कोयल का है वो, स्टार्टिंग कोयल है 66 ग्राम की। दोस्तों, दोनों का वेट है, चारों आठों सेट का वो है 1395 ग्राम। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से इनके कोयल है वो जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी एक कोयल है वो इंस्टॉल कर दी है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसकी एक कोयल है वो इंस्टॉल की है। दोस्तों, इसमें 4 में मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। इसका 4 का पिच है, 2 पिच छोड़ के 4 में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी बाकी 2 कोयले हैं वो भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। बाकी 2 कोयले इसमें आएगी, एक तो इसमें, फिर तीसरी वाली आएगी इसमें, फिर इसमें, इस प्रकार से ये आएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों 1 HP की मोटर है और ये सिंगल फेस की मोटर है। और दोस्तों, इसके कनेक्शन है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारे 3 कोयले डल के रेडी है। अब दोस्तों, बाकी कोई कोयले है मैं जल्दी से वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग कोयल की इंस्टॉलेशन किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। और दोस्तों, इसके कनेक्शन है वो सीरीज वाले कनेक्शन नहीं है, इसमें कनेक्शन वो दूसरे प्रकार के हैं। तो वीडियो को है वो एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो आप मोटर बांध दोगे, वाइंडिंग हो जाएगी लेकिन मोटर वो चलेगी नहीं, तो क्या
क्या होगा। तो इस वीडियो का वो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों हमारे रनिंग कोयल इंस्टॉल हो चुके हैं। अब दोस्तों बारी इसकी स्टार्टिंग कोयल की, तो मैं जल्दी से इसकी स्टार्टिंग कोयल वो आपको इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको ये कोयल है वो इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों हमारी टेक्समो मोटर वो कंप्लीट वाइंडिंग है वो हो चुकी है। और दोस्तों इसकी स्टार्टिंग कोयल के पिच है वो 6 और 8 में आएगा, बीच में आपको 4 पिच है वो आपको खाली छोड़ना है। और दोस्तों इसके कनेक्शन है वो स्टार्टिंग कोयल के कनेक्शन आएंगे वो सीरीज कनेक्शन होएंगे, और रनिंग के कनेक्शन है वो आएंगे डेल्टा कनेक्शन। तो आपको डेल्टा कनेक्शन की डायग्राम है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस हिसाब से आपको इसके कनेक्शन है वो करने हैं। और दोस्तों ये मोटर 1 HP की मोटर है, आप देख सकते हैं ये 1 HP की इसकी मोटर है। और ये है दोस्तों इसका वाइंडिंग डाटा, और मैंने आपको किस प्रकार से इसकी कोयले आपको इंस्टॉल करनी है वो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें। और दोस्तों ये यूट्यूब पर पहली बार डल रही है, अभी तक किसी ने नहीं बताया कि DMS 3 का वाइंडिंग डाटा, DMS 2 का 1 का ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन DMS 3 का वाइंडिंग डाटा आपको यूट्यूब पे गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।